ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದಂತಹ 1 ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 4 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. सबको नमस्कार. मैं सुमंगला आर, हिंदी अध्यापिका, जेएसएस शिशुनाल शरीफ हाईस्कूल, उदयगिरी, मैसूर. अब तक आपने प्रश्न पत्रिका के स्वरूप को समझ लिया है और मुख्य प्रश्न 1, 2, 3, 4 से संबंधित विश्लेषण को समझा है. अब मैं 3-4 वाक्य में उत्तर अपेक्षित करने वाले प्रश्न और 5-6 वाक्यों में उत्तर अपेक्षित करने वाले प्रश्न और गद्यांश के संबंध में पाठ्य पुस्तक के आधार पर विश्लेषण करने जा रही हूँ. आइए. ये 3 विषय के होते हैं. पहला गद्य पाठ, दूसरा पद्य पाठ और तीसरा है रचना पाठ. इसके अंतर्गत 3 विषय होते हैं. पहला गद्य पाठ, दूसरा पद्य पाठ और तीसरा रचना पाठ. गद्य पाठ में से 5 प्रश्न और पद्य पाठ से 3 प्रश्न होते हैं. पद्य के 3 प्रश्नों में एक भावार्थ आता है, अन्य 2 प्रश्न होते हैं. रचना पाठ में पहले एक मुख्य प्रश्न के रूप में अनुवाद दिया जाता था. अब 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए. इसके अंतर्गत 3 पंक्तियों का एक छोटा सा अनुच्छेद दिया जाता है, वह कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ता है. चलो बच्चों, हम जो गद्य पाठ के 5 प्रश्न किन किन पाठों से आने वाले हैं हम देखेंगे. गिल्लू, बसंत की सच्चाई, इंटरनेट क्रांति, महिला की साहस गाथा, कर्नाटक संपदा, बाल शक्ति, ये सब कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ प्रश्न देखेंगे. 3-4 वाक्यों में उत्तर अपेक्षित प्रश्न आने वाले पद्य पाठ है मातृभूमि, अभिनव मनुष्य, तुलसी के दोहे, सूर श्याम. इन पाठों से 3-4 वाक्यों में उत्तर अपेक्षित करने वाले प्रश्न आने की संभावना है. गिल्लू पाठ से हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्नों को किस तरह आते हैं अंदाजा किया गया है. उदाहरण के लिए, गिल्लू में निहित मानवीय गुणों पर प्रकाश डालिए. इसका उत्तर होता है, जब लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था, उन दिनों लेखिका के कमरे का दरवाजा खुलते ही गिल्लू अपने झूले से दरवाजे की ओर दौड़ता, फिर वहां किसी दूसरे को देखकर तेजी से वापस आकर अपने घोंसले में बैठ जाता था. उस अवसर पर वह अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खा रहा था. लेखिका के गैरहाजिरी में गिल्लू उदास रहता था. लेखिका अस्पताल से लौटने के बाद उसके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बाल सहलाता रहता था. इस पाठ से आने वाले अन्य प्रश्न हैं, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए. गिल्लू की समाधि कहाँ बनाई गई है और क्यों? गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए. लेखिका ने गिल्लू की रक्षा कैसे की? पाठ से हम प्रश्न देखेंगे. प्रश्न 3 ढंग से होते हैं और उत्तर एक ही होता है. उदाहरण के लिए, बसंत में निहित स्वाभिमानी और ईमानदारी गुणों का परिचय दीजिए या बसंत के उत्तम गुणों का वर्णन कीजिए या बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे? उत्तर देखिए.
बसंत देसी बटन छलनी और दिया सलाई बेचने वाला ईमानदार लड़का है। एक बार बसंत पंडित राजकिशोर को एक छलनी बेचता है। पंडित राजकिशोर 1 रुपये का नोट देते हैं। बसंत के पास 1 रुपये के लिए बुना ना रहता है। बुना लाने के लिए दुकान की ओर दौड़ता है। वह बुना लाकर लौटते हैं। समय वह मोटर के बुना लाने के लिए दुकान की ओर दौड़ता है। वह बुना लाकर लौटते समय वह मोटर के नीचे दब जाता है। इस कारण से वह पंडित राजकिशोर के पास नहीं लौट सका। इसलिए बसंत अपने भाई प्रताप को वही दिन शाम के समय राजकिशोर को बुना देने के लिए उनके घर भेजता है। बसंत की सच्चाई पाठ से हम अन्य प्रश्न देखते हैं। मानवता की साकार मूर्ति पंडित राजकिशोर जी का परिचय दीजिए या पंडित राजकिशोर जी के परोपकारी गुणों का परिचय दीजिए। अब हम इंटरनेट क्रांति पाठ के बारे में देखेंगे। इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर होगा, इंटरनेट से पल भर में कम खर्च में कोई भी विचार, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी बेच सकते हैं। घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर रकम भेजी जा सकती है। ई प्रशासन में भी इसका उपयोग होता है। इंटरनेट पाठ से आने वाले अन्य प्रश्न हैं, इंटरनेट से क्या क्या लाभ उपयोग महत्व है बताइए। व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है। संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है। महिला की साहस गाथा पाठ से आने वाले प्रश्न हैं, बिचेंद्री पाल के मन में एवरेस्ट चढ़ने का आत्मविश्वास कैसे आ गया। इसका उत्तर होगा, बिचेंद्री पाल को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। पढ़ाई के साथ साथ बिचेंद्री पाल ने पहाड़ पर चढ़ने के साथ अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान बिचेंद्री पाल ने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर तथा रोड गेरो की चढ़ाई की, जिससे उनमें एवरेस्ट पर चढ़ने का आत्मविश्वास बढ़ा। महिला की साहस गाथा पाठ से आने वाले अन्य प्रश्न हैं, बिचेंद्री पाल का बचपन कैसे बीता। बिचेंद्री पाल ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की। कर्नाटक संपदा पाठ से आने वाले प्रश्न हैं, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है, कैसे। इसका उत्तर है, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी हैवड़े पट्टदकल्लु में जो मंदिर है, उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियां सजीव लगती है। ये हमें रामायण महाभारत पुराणों की कहानियां सुनाती है। श्रवण बेलगोला के 57 फुट गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा दुनिया को त्याग और शांति का संदेश देती है। विजयपुरा के गोल गुंबद की
विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। कर्नाटक संपदा पाठ से आने वाले अन्य प्रश्न हैं, कर्नाटक की प्रकृति मनमोहक है क्यों? कर्नाटक के साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है, कैसे, बताइए। पद्य भाग से आने वाले प्रश्न है, मातृभूमि कविता से, कविता में भारत माता के स्वरूप कैसे उभारा गया है? इसका उत्तर है, कवि भगवती चरण वर्मा ने मातृभूमि कविता में भारत माता के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है। उसके एक हाथ में न्याय का सूचक पताका है तो दूसरे हाथ में ज्ञान सूचक दीपक है। कवि ने मातृभूमि को अपने स्वरूप के साथ जग को बदलने का निवेदन कर। मातृभूमि कविता से आने वाले अन्य प्रश्न हैं, मातृभूमि कविता का सार लिखिए। मातृभूमि कविता में भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य को कैसे वर्णन किया है? अभिनव मनुष्य पद्य से आने वाले प्रश्न हैं, आधुनिक मानव की भौतिक साधना का विवरण कविता के आधार पर दीजिए। इसका उत्तर है, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त की है। इसका यान गगन में जा रहा है, परमाणु भी इसके करों से डरते हैं। आधुनिक मानव ज्ञान का विज्ञान का आगार है, व्योम से पाताल तक इसे सब ज्ञात है। अभिनव मनुष्य कविता से आने वाले अन्य प्रश्न हैं, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? अभिनव मनुष्य प्रकृति के हर तत्व पर विजय बनकर आसीन है, कैसे? तुलसी के दोहे में भावार्थ संबंधी प्रश्न इन छंदों से हो सकता है। इसके भावार्थ आपको पाठ्य पुस्तक में मिलता है। दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह प्रश्न है, मुखिया मुखसो चाहिए कान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गही पै परिहरी वारी विकार। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दयाना चांडिये जब लगगट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य रत राम भरोसो एक। राम नाम मणि दीप दरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरव जो चाहसी उजियार। समय की पहचान कविता में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, कविता के अनुसार समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? समय की पहचान कविता में समय के महत्व को कैसे समझाया गया है? रचना पाठ में पहले एक मुख्य प्रश्न के रूप में अनुवाद दिया जाता था, अब 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत 3 पंक्तियों का एक छोटा अनुच्छेद दिया जाता है, वह कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सरल वाक्यों में रहता है। उदाहरण के लिए, इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इन बच्चों की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। इधर ಉತ್ತರ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಚಟ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇ ಪಾಂಚೇ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಉತ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತೆ ಹೇ. ಯಹಾಂ
एक ही प्रश्न के दो प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखना अनिवार्य है। अपेक्षित करने वाले पाठ हैं गिल्लू, बसंत की सच्चाई, कर्नाटक संपदा। उदाहरण के लिए गिल्लू के मानवीय गुणों पर प्रकाश डालिए या गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। बसंत की सच्चाई पाठ से बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे, या पंडित राजकिशोर की परोपकार की भावना पर प्रकाश डालिए। कर्नाटक की संपदा पाठ से कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला पर प्रकाश डालिए, या कर्नाटक में बहने वाली नदियों से क्या क्या लाभ है। छठवें मुख्य प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, अपूर्ण पद्य भाग को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। इसके संबंध में अभी तक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इससे ही पूछा गया है, इसकी ओर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। इन चार पंक्तियों को चार अंक के लिए दिया जाता है। अब इस साल की परीक्षा में पद्य भाग पूर्ण कीजिए के लिए विकल्प नहीं दिया जाएगा, यानी चॉइस नहीं होते। अगर आप इन चार पंक्तियों को अच्छी तरह सीख ले तो चार अंक आसानी से पा सकते हैं। सातवें मुख्य प्रश्न में 36वां प्रश्न है, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छात्र छात्राओं में पढ़कर समझने की सक्षमता के अवलोकन के लिए एक अपठित गद्यांश दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक एक अंक के चार प्रश्न होते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर समझने की क्षमता रही तो आप चार अंक आसानी से पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारतीय सभ्यता में माता पिता, गुरु तथा बड़ों का आदर करना आरंभ से ही सिखाया जाता था। आज के विद्यार्थी अपने अध्यापकों के प्रति कम आदर भाव रखते हैं। जो विद्यार्थी अध्यापक के प्रति पूज्य भाव नहीं रखता, वह शिक्षा पाने का अधिकारी नहीं है। यह हमारा धर्म है कि विद्यादाता के सामने नत सिर हो। वे हमें मनुष्य बनाते हैं, जीवन संग्राम के लिए तैयार करते हैं, अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं, तो क्या हम उनके प्रति श्रद्धाशील भी नहीं हो सकते। उदाहरण के अनुसार छोटा गद्यांश दिया जाता है, उसके लिए चार प्रश्न दिए जाते हैं। इन प्रश्नों को गद्यांश पढ़कर उत्तर देना पड़ता है। प्रश्न उदाहरण के लिए इस प्रकार पूछा जा सकता है, भारतीय सभ्यता के अनुसार किन किन को आदर करना है, शिक्षा पाने का अधिकार किसको है, हमारा धर्म में क्या कहा गया है, अध्यापक के कर्तव्य क्या है। अब तक हम दूसरे भाग में सातवां मुख्य प्रश्न के बारे में, आने वाले विविध प्रश्नों के बारे में हमने समझ लिया है। अब मैं आठवां मुख्य प्रश्न निबंध के बारे में और नौवां मुख्य प्रश्न पत्र लेखन के बारे में उदाहरणों के द्वारा, एक एक उदाहरण के द्वारा समझाने के लिए जा रहा हूं। आइए समझेंगे। आठवां मुख्य प्रश्न, उसके अंतर्गत 37 प्रश्न संख्या इस प्रकार होता है,
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 पंक्तियों में निबंध लिखिए। इस विषय के लिए निबंध इस प्रकार दिए जा सकते हैं। वे निबंध पाठ्य पुस्तक में निहित निबंध के विषय है, मतलब है पाठ्य पुस्तक के अंत में इन विषयों को दिया गया है। विषय है जनसंख्या की समस्या, नारी त्रुम केवल श्रद्धा हो, पर्यटन का महत्व, नागरिक के कर्तव्य, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, वनमहोत्सव। इन 7 विषय पाठ्यपुस्तक के अंत में दिया गया है। इनमें से एक विषय परीक्षा में आने की संभावना होती है। ये अन्य विषय भी निबंध के होते हैं, पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य विषयों को भी देने की संभावना रहती है। उन विषय ये होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान या मिशन, मेक इन इंडिया, कोरोना या COVID-19, इंटरनेट का महत्व, विज्ञान से लाभ हानि, समय का महत्व, खेलों का महत्व। इन 8 विषयों में भी एक विषय आने की संभावना होती है। और एक बात है, 3 निबंध के विषय देते हैं, उनमें से एक विषय पर निबंध लिखना पड़ता है। इन 15 विषयों में से, कुल 15 विषयों में से किसी 3 विषय आने की संभावना अधिक होती है। आगे एक उदाहरण के रूप में इंटरनेट से लाभ हानि निबंध देखेंगे। आइए देखिए, इंटरनेट से लाभ हानि, इनमें संकेतक बिंदु है विषय प्रवेश, विषय विस्तार, उसके अंतर्गत अर्थ लाभ देखेंगे। विषय प्रवेश में ये लिखा गया है, वैज्ञानिक क्षेत्र में आविष्कार होते रहते हैं, इन आविष्कारों में से इंटरनेट भी एक है, इससे अनेक प्रकार के लाभ और हानि होते हैं, ये विषय प्रस्तावना भी कह सकते हैं। विषय विस्तार में अर्थ, इंटरनेट का अर्थ है जो अनगिनत कंप्यूटरों के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे इंटरनेट कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे अंतरजाल भी कहते हैं। इंटरनेट से लाभ क्या क्या है, इससे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। आजकल इंटरनेट का उपयोग कहां नहीं हो रहा है ये कहना असंभव है। मतलब ये है, इसका समाज के हरेक क्षेत्र में हो उपयोग हो रहा है। अंतरिक्ष से लेकर ई प्रशासन तक इसका प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा अन्य विषयों को भी आप लिख सकते हैं, अस्पतालों में, बैंकों में, डाकघर में, इस तरह उपयोगों के नाम आप लिख सकते हैं। इसके हानि, इंटरनेट से जिस प्रकार अनेक प्रकार के लाभ है, उसी भांति से हानि भी है। हानियों में से पायरेसी, हैकिंग, ब्रैंकिंग, फ्रॉड आदि प्रमुख है। इससे छात्रों का समय का बहुत ही दुरुपयोग होता है। उपसंहार, यदि इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप है। इसका उपयोग करने वाले हर व्यक्ति बहुत ही जानबूझकर उसका उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार निबंधों के विषय के बारे में परिचय दिया गया है। निबंध के क्या क्या विषय आ सकते हैं, इसके संबंध में जानकारी दी गई है। इसके बाद एक उदाहरण भी समझाने का प्रयास किया गया है। इस तरह इन विषयों के अंतर्गत उदाहरण के तौर पर दिए गए निबंध को ध्यान में रखकर लिखने का अभ्यास करें तो आप परीक्षा में 4 अंक पा सकते हैं। छुट्टी पत्र, छुट्टी पत्र से संबंधित सामान्यतया 4 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, कोई कारण देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा, अस्वस्थता का कारण देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तीसरा, भाई या बहन की शादी का कारण देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। चौथा, खाओ जाने का कारण देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इस प्रकार
चार विषयों को ध्यान में रखकर हम चार विषयों से संबंधित पत्र लेखन या छुट्टी पत्र आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले कागज के दाई ओर ऊपर दिनांक लिखना है, बाई ओर प्रेषक लिखना है। प्रेषक का मतलब है जो पत्र लिखता है उसका पता लिखना है। सेवा बाद में सेवा में लिखना है, सेवा में जिसको पत्र लिखा जाता है उसका पता लिखना है। बाद में संबोधन करना है आदरणीय महोदय से। पत्र के बीच में विषय लिखना है और उसके कारण कलेवर लिखना है। मेरे कोई कारण के संबंध में पत्र लेखन है, मैंने मेरे गांव या मोहल्ले में मेले है, अतः दिनांक 25/4/2020 से दिनांक 27/4/2020 तक 3 दिन विद्यालय आने में असमर्थ हूं, कृपया छुट्टी देने की कृपा करें। ये तीन वाक्यों में मेरा छुट्टी पत्र समाप्त हुआ है। पहला कारण लिखा गया है, बाद में कब से कब तक छुट्टी चाहिए उसके संबंध में लिखा गया है, अंत में अनुरोध किया गया है। ये तीन बिंदुओं को ध्यान में रखकर पत्र लेखन लिखा गया है। बाद में अभिवादन सदन्यवाद लिख जाता है। बाद में दाई ओर जो पत्र लिखता है उसका हस्ताक्षर है, विद्यार्थी है तो आपका छात्र, विद्यार्थी नहीं तो आपकी छात्रा लिखना है। और फिर दाई ओर अभिवादन के नीचे स्थान लिखना है, कभी कभी ऊपर ही कुछ दिनांक के नीचे, दाई ओर दिनांक के नीचे लिखने का प्रयास करते हैं। ये पत्र लेखन का एक नमूना है छुट्टी पत्र का। दूसरे विषय के संबंध में पत्र वही है, वही क्रम है, देखिए वही क्रम से लिखा गया है। विषय में या कारण में क्या किया गया है, दूसरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा प्रश्न था अस्वस्थता के कारण छुट्टी पत्र लिखिए, कारण देते हुए मैंने यहां मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और कोई भी स्थान नहीं परिवर्तन हुआ है, लेकिन दिनांक और संदर्भ आपने जिस दिन चाहिए अपने संदर्भ अनुसार लिख सकते हैं। यही दिनांक मत लिखिए, लेकिन आप अपने संदर्भों के अनुसार वही दिनांक लिखिए, वही है पूरे अन्य वही क्रम लिखते हैं। बाद में तीसरा कारण है भाई बहन की शादी को कारण, मेरे भाई या मेरी बहन की शादी है। देखिए तबीयत ठीक नहीं है, जग में मेरी बहन की शादी है लिखा है, फिर वही क्रम है। देखिए कभी कभी 5 दिन आ सकते हैं, 5 दिन को भी पूछ सकते हैं। आगे चौथा पत्र है, देखिए चौथा पत्र गांव जाना है। देखिए विषय में या कारण में बदलाव है, लेकिन अन्य कई भी बदलाव नहीं है, लेकिन आप चाहिए तो 5 दिन जाए तो यहां दिनांक आप अपने जितने दिन के लिए चाहिए उसको आप परिवर्तन कर सकते। विषय क्या है उसके संबंध में आप, कारण क्या है उसे अपने विषयानुसार संदर्भानुसार लिख सकते हैं। ये पत्र लेखन का नमूना है। ये क्रम आप अपनाने से संकलनात्मक परीक्षाओं में बिल्कुल आप पूरे अंक पा सकते हैं। ये मेरा पारिवारिक पत्र लिखना कैसे, इसका उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक पत्र के संबंध में परीक्षा में सामान्यतः इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला है, प्रवास जाने के लिए रुपये भेजने का अनुरोध करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, किताबें खरीदने के लिए रुपये भेजने का अनुरोध करते हुए अपने पिताजी के नाम पर पत्र लिखिए, ऐसे दो प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना होती है। उनमें से प्रवास जाने के लिए रुपये भेजने का अनुरोध करते हुए अपने पिताजी के नाम पर पत्र लिखिए, ये बहुत बार पूछे गए हैं। एक, प्रवास जाने के संबंध में पत्र लिखना, पारिवारिक पत्र लिखना कैसे, इसके बारे में जानने का प्रयास करें। पारिवारिक पत्र लिखने का स्वरूप देखिए,
पृष्ठ के ऊपर दाई ओर दिनांक सबसे पहले लिखना है, उसके नीचे स्थान लिखना है, बाई ओर स्थान के बाद बाई ओर ऊपर संबोधन लिखना है, पिताजी के लिखने के कारण पूज्य पिताजी, बाद में सादर प्रणाम, इसके बाद कलेवर लिखना है, मैं यहाँ कुशल हूँ, आप भी वहाँ कुशल समझता हूँ, मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, लड़की आई तो पढ़ रही हूँ, मुझे पहली संकलनात्मक परीक्षा में अच्छे अंक मिले हैं, अगले महीने हमारे विद्यालय से प्रवास जा रहे हैं, मेरे सहपाठी भी प्रवास जाने के लिए तैयार है, मैं भी जाना चाहता हूँ या लड़की है तो चाहती हूँ, 2000 रुपये धनादेश द्वारा भेजने का कष्ट करे, इस प्रकार लिखना है। इसके बाद दाई ओर उसके नीचे आपका प्रिय बेटा, आपकी प्रिय बेटी लिखकर उसके नीचे अपना हस्ताक्षर लिखना है, परीक्षा में हस्ताक्षर लिखना, नाम लिखना मना है। इसके बाद भाई ओर नीचे सबसे पहले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना है, उसके बाद प्रेषक लिखना है, मतलब है जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना है, प्रकार पूरे पत्र लिखने से आपको 5 अंक मिलेंगे। ये उदाहरण के लिए दिखाया गया है, ये उदाहरण को ध्यान में रखकर अन्य विषय के पत्रों को इस तरह लिख सकते हैं। पहला भाग में और दूसरा भाग में प्रश्न पत्रिका के आधार पर मुख्य प्रश्न 1 से लेकर मुख्य प्रश्न 9 तक विविध प्रश्नों के बारे में विश्लेषण करने के द्वारा छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास किया गया है। अगले भाग में हम छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक के अंदर, अभ्यास के अलावा पाठ्य पुस्तक के अंदर आने वाले प्रश्नों के संबंध में विश्लेषण करते हैं। अगले भाग से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।